द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। ग्वालियर में पुलिस ने काफी समय से चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 3 युवतियां और 10 युवकों को पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। सभी को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल ग्वालियर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डंडोतिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुरार थाना क्षेत्र के जडेडुआ बांध के पास स्थित 2 मंजिला मकान में काफी समय से देह व्यापार चल रहा है। मुखबिर की मिली खबर से पुलिस ने एक अलग से टीम बनाई और मौके पर पहुंची, जिसमें 2 मंजिला मकान में कुछ युवक अंदर घुसे हुए थे। जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ 2 मंजिला मकान में दबिश दी तो वहां पर एक कमरे में एक युवती और 3 युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। उसके बाद जब पुलिस ऊपर की मंजिल में पहुंची तो वहां पर भी कुछ युवक एक कमरे के बाहर बैठे हुए थे और एक युवती और एक युवक आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने सभी को मौके पर ही पकड़ कर थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि मकान प्रीतम माहौर का है, पर देह व्यापार उसकी पत्नी गीता माहौर चलाती है। इसे गिरफ्तार मौके से किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की है। मुखबिर द्वारा सूचना वरिष्ठ लेवल पर प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र में जड़ेरुआ बंदा मस्जिद के पास प्रीतम माहौर के मकान में एक सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है, जिसकी सूचना पर टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बनाई है और उसी टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 10 पुरुष टोटल पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध की कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक महिला जो संचालित कर रही थी वो तो उसका खुद का मकान है, 2 महिलाएं ठाटीपुर थाना क्षेत्र की हैं, 10 पुरुष जो पकड़े गए हैं उसमें से 3 पदमपुर खेरिया के हैं, 2 लाहौर क्षेत्र के हैं, 3 मुरार क्षेत्र के हैं और 2 ठाटीपुर के सुरेश नगर क्षेत्र के पुरुष हैं। इनके द्वारा जो सूचना मुखबिर द्वारा दी गई थी वो इस प्रकार दी गई थी कि वहाँ पर लगातार यह घृणाकृत किया जा रहा है, जिससे समाज में आक्रोश भी है और इसके कारण वहाँ पर लोगों में असंतोष भी व्याप्त हो रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना पर मौके से यह कार्रवाई की गई। अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई उसमें 1 साल से ऊपर की सूचना तो आ रही है, 1 साल से अधिक समय से यह रैकेट चलाया जा रहा था। इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार देह निवारण अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।